रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, 9th क्लास 5D टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 9th क्लास केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ हैं। ये फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज में से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। रदर फॉर एटॉमिक मॉडल नीड बोहर एटॉमिक मॉडल, सिर्फ 5 सवाल है, 6 ये कर लें आप तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग का पार्ट कवर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, डेट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, HCO एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। आगे है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन जिंक टिन सिल्वर, तीनों में से कोई भी एक आ जाएगी। बॉयल एंड चार्ल्स लॉ, सॉलिबिलिटी इन इट्स फैक्टर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंसेज, ऐसे यहाँ पर इसको नोट कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। इम्पॉर्टेंट क्योंकि बेटा ड्राइव में मेरा स्पेस आउट हो चुका है और कोई भी चीज़ अभी शेयर नहीं हो रही है, फिर आप लोगों का PDF नहीं मिला तो आप कहेंगे कि मिस आप PDF दे देंगे, वो आप एटलीस्ट यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लें। अगर आपको वैसे भी कोशिश करूँगी कि इसको मैं मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ, ना हो सका तो आपको यहीं से स्क्रीन शॉट लेना होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिफरेंसेज हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड सोडियम एंड आयरन एज सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल, ये आपने करने हैं। सोडियम एंड आयरन एज अ सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल के बिटवीन, ऑक्सीडन रिडक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन सस्पेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये भी इंपॉर्टेंट है, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल्स में आप करना है डू ऑल सॉल्व एंड अनसॉल्व एक्सरसाइज ऑफ बुक करनी है, साथ साथ मोलैलिटी के, कंसनट्रेशन वाले, मोलर मास, मॉलिकुलर मास, आप सबको पता है अपना जो गेस्ट पेपर दिया था और कितना डिटेल में प्रैक्टिस शीट दी थी, याद है। जिन बच्चों ने गैस पेपर वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर उसको ज़रूर देखें। मैंने अपने चैनल पे अपने गैस पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड किया। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि सवाल नज़र आ रहा है, मोलैलिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर में कन्वर्जन आ जाती है, सेंटीग्रेड को फॉर जो है वो आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना है, इस तरीके से डिफरेंट कन्वर्जन आएंगी, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में सिखाया। फिर मैंने आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, किसी भी एटम्स का अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, वाटर का, अमोनिया का, क्लोरीन का, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बच्चा वन बाय वन जाके उन वीडियोस को वॉच करें। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो इतना थियोरेटिकल नहीं होता, बच्चे जो है इसके न्यूमेरिकल्स कर कर चले जाते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें अटैम्प्ट कर लेते हैं, फार्मूलाज लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने को आ जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला लिखने को आ जाता है। हमने आपको मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, फिर हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल सेंटर के जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज़ें उसमें आई हुई थी, पूरा केमिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया। फिर मैंने आपको अपने गैस पेपर के जो मेरे ज़ाती तौर पे बना हुआ PDF है, जिसको मैंने आपने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको सॉल्व बना दे, डॉक्टर लाबा की हेल्प से कुछ मैंने वीडियोस अपलोड की, कुछ उन्होंने वीडियोस अपलोड की, हालांकि उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं कवर करवा दूँगी थोड़ा सा। मैंने 4-5 वीडियोज़ जो है वो मैंने आप लोगों को कवर करवाई हैं, ठीक है जी। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझा दी थी ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत कवर हो जाए। तो मतलब कहने का ये है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हों, किसी तरह के भी सवाल आते हों, प्रैक्टिस शीट मैंने बैलेंस इक्वेशन करने को आती है, यही सारी चीज़ों से नंबर आप उठा लें तो आपको थ्योरी को करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक पार्ट आप डेफिनेशन का कर चले जाएँ, एक पार्ट आप डिफरेंसेस का कर चले जाएँ, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लें, कुछ डेफिनेशन कर लें, इंशाल्लाह कुछ लॉज आ जाते हैं, पेपर हो गया पूरा। और सॉल्व में लॉन्ग में मैंने आपको सिर्फ 5 सवाल बताए, वो आप कर चले जाएँ, इंशाल्लाह जल्द आपका पेपर उसमें से हो जाएगा। तो मज़े की बात है ना, आ जाते हैं डेफिनेशंस में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फिर आपके पास आइसोटोप, अच्छा मैंने आगे पढ़कर नहीं बताया, यहाँ से बॉयल एंड चार्ल्स लॉ एंड बैलेंस इक्वेशन, ठीक है जी। डेफिनेशन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्री रेडिकल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोलैरिटी, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कंसनट्रेशन एंड मोल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इफ्यूजन, ठीक है जी, एलोट्रॉपी, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अलॉय। शॉर्ट नोट के लिए यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। डेफिनेशन है आपकी 20 शॉर्ट नोट्स में, आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर,
डिफ्यूजन, मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड एवेपोरेशन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, छोटा छोटा याद कीजिएगा इनको ज़रूर। अदर शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े शेयर कर दिए थे मैंने यहाँ पे, राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा, यह कह देगा राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, राइट डाउन एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस कह सकता है, कैनाल रेस कह सकता है, मेटल की तीन दे सकता है, तीन तीन चार चार याद, चार याद कर लिया अगर एक बच्चे भूल जाते हैं हमेशा। राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1A, 7A, 2A, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सॉलिड विद एग्जाम्पल्स, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, राइट एनी टू मैथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉरोजन, स्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ थर्ड प्रेट एंड मेंडली पीरियोडिक लॉ, राइट द नेम्स एंड सिंबल ऑफ एनी थ्री सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉबल मेटल्स, वॉट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, राइट डाउन एनी थ्री एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आ सकता है, वॉट इज केमिस्ट्री, डिफाइन एनी सिक्स ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, में भूल गई थी मैंने लास्ट में लिख दिया इसको, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेक्शन एमसीक्यूज न्यूमेरिकल के लिए क्या है, रीड ऑल एमसीक्यूज स्लोली फ्रॉम द बुक, ऑल बुक एग्जांपल एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट, याद रखें बेटा जो चैनल पे मैंने एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट चलाया था उसको देखें जाके, और न्यूमेरिकल के लिए जितनी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दूंगी ना वन बाय वन जाके उसको सिर्फ देख ले, एक एक दो दफ़ा देख ले, इंशाल्लाह गारंटी देती हूँ न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। आपको बहुत डिटेल में करवाए हैं मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में, उसको जाकर देखें इंशाल्लाह जल्द आपके पास नंबर आपके हाथ, इतना सा पेपर करने पर आप पूरे नंबर ले सकते हैं, पूरे लिखा है 15 डे टारगेट पेपर, ठीक है जी। मैंने बना लिया था, प्रोसेस में था वर्क और इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी, जाहिर है एक उस्तानी जी हैं, ढेर सारे गेस्ट पेपर हैं तो आप सब थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अब सिर्फ आपका इस्लामियात का रह गया इंशाल्लाह जवज्जल, वो भी आपको मैं आज इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है जी। चलिए अगर वीडियो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।